पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने काफी माहौल इंटेंस हो गया था, जब एएसजी एसवी राजू और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की उस प्ली को फटकारा है जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा अरेस्ट और रिमांड दोनों को चैलेंज किया है और जिस केस में वे आराम से अभी इंटरिम बेल पर घूम रहे हैं। एक पॉइंट जिसपे हियरिंग काफी इंटेंस भी हो गई थी वो था जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरिम बेल ऑर्डर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था, जिस पर पलटवार करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कह दिया, क्रिटिसिज्म ऑफ द वर्डिक्ट इज वेलकम बट आवर ऑर्डर स्टैंड्स फॉर्म, वी अबाइड बाय द रूल ऑफ लॉ, नो एक्सेप्शंस आर मेड। और लंच ब्रेक के बाद जो हियरिंग वापस से कंटिन्यू हुई तो मामला और संगीन हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी एसवी राजू ने कह दिया कि ईडी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल करने वाली है। शायद ये बात आपके लिए उतनी हैरानी वाली ना हो, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही ईडी ने ये बात फॉर्मर डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग में दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होते हुए एएसजी एसवी राजू ने आम आदमी पार्टी के अलावा इस चार्जशीट में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी ऐड करने की बात कही है, जिससे देश में एक अलग सनसनी मच गई है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस सबमिशन का जवाब दिया है। हियरिंग रिज्यूम होते ही एएसजी एसवी राजू ने अपने उस आर्गुमेंट को कंटिन्यू किया है जहां उन्होंने कहा कि ईडी को सारे मटेरियल केस के इस मोड़ पर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोर्ट को वापस से मटेरियल में डाइव करने की भी नीड है। एएसजी एसवी राजू स्टेटेड, इवन एट द स्टेज ऑफ डिस्चार्ज अदर मटेरियल्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना ने यहां पर एएसजी एसवी राजू को समझाने की कोशिश की, दैट्स द डिफरेंस, अदरवाइज इट विल मीन नोबडी कैन आर्ग्यू फॉर अ बेल। हालांकि एएसजी यहां शांत नहीं बैठे और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया, द सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट अ मिनी ट्रायल इज इम्परमिसिबल, इवन ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एविडेंस नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन नॉट बी कंसिडर्ड। और इसी पॉइंट को काउंटर करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वे अग्री करते हैं कि मिनी ट्रायल नहीं होना चाहिए, पर द स्टेक्स आर हायर व्हेन यू डिप्राइव समवन ऑफ देयर लिबर्टी मिस्टर राजू। यहां पर एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट बेंच का ध्यान इस केस में मटेरियल पर लाया, जिसके साथ ही स्टेटेड सफिशियंसी नीड नॉट बी गॉन इनटू बाय दिस कोर्ट, नाउ इन दिस बैकग्राउंड हैव अ लुक एट द मटेरियल, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि कैसे इस केस में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 6 कंप्लेंट्स है। हालांकि इस पॉइंट पर जस्टिस संजीव खन्ना ने एएसजी को टोकते हुए कहा कि उन्होंने लास्ट हियरिंग में तो कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सिर्फ 5 स्टेटमेंट्स है और न ही 6। ये सुनकर एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उनसे गलती हो गई होगी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच को शॉक कर दिया ये कहते हुए कि वी आर प्रपोजिंग टू फाइल द प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट चार्ज शीट अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी, वी विल डू इट शॉर्टली, इट इज इन द पाइपलाइन। और यहाँ पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एविडेंस देते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, नाउ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू केजरीवाल फ्रॉम द मटेरियल माय सबमिशन इज इट इज बियॉन्ड डाउट दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन कम टू द कंक्लूजन दैट पिटिशनर हैज कमिटेड ऑफेंस सेक्शन 19 स्टैंडर्ड मेट बाय दिस मटेरियल द पिटिशनर अरविंद केजरीवाल डिमांडेड ₹100 करोड़ ब्राइब एंड रिजल्ट ऑफ दिस द मनी वॉज जनरेटेड इट रीच्ड गोवा एंड वॉज यूज्ड इन इलेक्शंस बाय द आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी विल बी मेड एंड अक्यूज्ड इन दिस केस वी हैव डायरेक्ट एविडेंस दैट केजरीवाल स्टेड इन 7-star होटल एंड बिल रैन इनटू लैक। यहां पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि होपिंग द इन्वेस्टिगेशन डायरीज आर हियर वी विल रिव्यू देम, जिसके बाद एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की कि इस पॉइंट पर आकर सुप्रीम कोर्ट बेंच को इस मामले के एविडेंस में नहीं घुसना चाहिए एंड स्टेटेड दिस इज नॉट द स्टेज टू लुक इनटू क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस स्टेटमेंट ऑन व्हिच रिलायंस इज प्लेस्ड हैज टू बी टेकन टू बी करेक्ट यार्डस्टिक दैट सम अदर पर्सन वुड कम टू अ डिफरेंट कंक्लूजन इज नॉट द क्राइटेरिया। ये सबमिशन सुनकर जस्टिस संजीव खन्ना ने एएसजी को याद दिलाते हुए कहा कि इन सिसोदिया केस दैट वेंट अगेंस्ट यू पार्ट 1 वाज अगेंस्ट यू, जिसके जवाब में एएसजी एसवी राजू ने कहा कि ये बस इसलिए हुआ था क्योंकि ईडी ने आम आदमी पार्टी को इसमें पार्टी नहीं बनाया था एंड स्टेटेड योर लॉर्डशिप्स वर ऑफ द व्यू दैट अनलेस आम आदमी पार्टी इज मेड पार्टी यू कांट दैट्स नो लॉन्गर द केस नाउ आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू बी मेड अक्यूज्ड। आगे एएसजी ने कहा कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए इतने ग्राउंड्स थे कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एक एसए के फॉर्म में हो गया है एंड स्टेटेड इन दिस केस ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट वर ऑलमोस्ट एन एसए, जिसके बाद उन्होंने एमएसआर मजुंदा श्रीनिवासलू रेड्डी स्टेटमेंट बिफोर मजिस्ट्रेट को हाईलाइट करना शुरू किया। हालांकि जैसे ही एएसजी एसवी राजू ने ये पॉइंट उठाया वैसे ही उनसे सवाल जवाब करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछ लिया, डिडंट दिस पर्सन एमएसआर अर्लियर से दैट वी डिडंट मीट फॉर दिस
बट फॉर सम लैंड आपको याद दिला दे कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अब तक के कई हियरिंग्स में कहा है कि कैसे ईडी ने मजुंदा श्रीनिवासलु रेड्डी को प्रेशर किया था उनके बेटे राघव रेड्डी को अरेस्ट करके, जिसके बाद जाकर एमएसआर ने अपना स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिया है और इसी बात को जस्टिस संजीव खन्ना ने इस हियरिंग में पॉइंट आउट किया। हालांकि ये सुनकर एएसजी एसवी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना को जवाब देते हुए कहा, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज इनकरेक्ट। लेकिन यहाँ शान नहीं बैठते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने एएसजी से कहा, शो इट फ्रॉम रीजंस टू बिलीव, जिसके बाद एएसजी एसवी राजू ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मटेरियल से ही वे प्रूफ कर सकते हैं। जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि उन्होंने कुछ फाइल्स ईडी से मंगवाए थे और क्या वे मौजूद है, जिसका जवाब में एएसजी ने हामी भरी। यहाँ पर एएसजी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, इट इज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू बिलीव वेदर फर्स्ट रीजन ऑफ एमएसआर मीटिंग विद केजरीवाल वॉज करेक्ट और द सेकेंड कोर्ट कांट से नो यू हैव टू रिलाई ऑन दिस एंड नॉट दैट इन द फर्स्ट ही सेड ही मेट फॉर सम फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट लैंड द आंसर इज। हालांकि यहां पर जस्टिस संजीव खन्ना ने एएसजी से सवाल करते हुए पूछ लिया, दिस रीजन इज रिकॉर्डेड इन द फाइल फॉर नॉन बिलीविंग, और जहां जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी ऐड करते हुए कहा, अदरवाइज यू आर इम्प्रूविंग द केस ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स। जस्टिस संजीव खन्ना के सवाल यहां खत्म नहीं हुए जब उन्होंने वापस से पूछा, ही सेज एमएसआर मेड मेक बिलीव स्टेटमेंट, हाउ डिड ही रीच दैट कंक्लूजन। पर इस क्वेश्चन का पलट जवाब देते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, व्हाट अबाउट मजिस्ट्रेट, ही गोज एंड गिव्स इनकल्पेटरी स्टेटमेंट बिफोर मजिस्ट्रेट, नो प्रेशर ऑन हिम, कोरोबोरेटेड बाई विटनेसेस। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना के सवाल यहां खत्म नहीं हुए और उन्होंने वापस से एएसजी से पूछ लिया, ऑन एमएसआर हैड गॉन बिहाइंड, विल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉट हैव टू डिस्कार्ड सेक्शन 164 स्टेटमेंट, और इस पॉइंट से जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी अग्री किया और कहा कि ऐसा करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ऐड करते हुए कहा, यू मे हैव गुड रीजंस टू अरेस्ट बट इन सच अ केस यू विल हैव टू टच अपॉन सेक्शन 164 स्टेटमेंट, इफ यू हैव अदर मटेरियल which renders the version in 164 not believable, why would you divest yourself of the power to defend your decision to arrest? You are required to touch upon it. अपनी बात रखते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने हालांकि ये क्लैरिफाई किया कि वे इस केस की ही बात नहीं कर रहे पर एक जनरल एग्जांपल दे रहे हैं एंड स्टेटेड, वी विल नॉट से वी विल फॉर्म द रीजन टू बिलीव, इफ वी हैव टू क्वेश वी विल ओनली से रिलेवेंट मटेरियल नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एन एग्जांपल नॉट दिस केस, इफ दिस रीजनिंग इज एक्सेप्टेड दैट मींस टिल कंप्लेंट इज फाइल्ड देयर कांट बी एनी बेल। पर वहीं हार नहीं मानते हुए एएसजी एसवी राजू ने भी सुप्रीम कोर्ट बेंच का व्यू पॉइंट बदलने की कोशिश की और कहा, From standpoint of investigating officer, only material that fits in his reasons is to be looked into. Other material is to be looked at only at stage of bail. These are not bail proceedings. ASG SV Raju ने Supreme Court bench को ये भी समझाने की कोशिश की कि ये कोई केस ऐसा वैसा नहीं है बल्कि PMLA के तहत आता है and stated, under PMLA the scheme is different stages, different considerations. If he wanted all this to be considered, he should have sought bail. कुछ arguments और बाकी रहने की वजह से Supreme Court bench ने इस मामले को अब Friday, that is 17th May के लिए list कर दिया है और आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट का ये लास्ट वर्किंग डे है समर वेकेशंस के पहले, तो देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यूमेंट सुनकर कोई फैसला लेती है या नहीं। टिल देन की फॉलोइंग लॉ चक्रा।